मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो कैंडिडेट डीजीएमएस के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, गेट के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करके प्रमोशन पाना चाहते हैं, साथ ही नई कोल कंपनी में अपना जॉब पाना चाहते हैं, ऐसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग ओवरमैन माइनिंग सरदार के कैंडिडेट्स, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास मैनेजर के कैंडिडेट्स आज की वीडियो में, जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो अपलोड की गई है उसमें आपको जो विनिंग एंड वर्किंग सब्जेक्ट है उसके विगत वर्ष के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ा जा रहा है। फ्रेंड्स, दोस्तों, चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास के लिए अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो तुरंत आप बेल आइकन दबाइए और ताकि आपका कोई भी वीडियो अपलोड होती हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर कोई नई कंटेंट आपको पढ़नी है या कोई कंटेंट नहीं समझ में आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, चलिए आपके सामने ये रही क्वेश्चन नंबर 56, उसको पढ़ते हैं। 55 तक की वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया था, मेथड ऑफ वर्किंग 2021 का, विनिंग एंड वर्किंग 2021 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं। एवरी मैकेनाइज्ड आउटलेट्स प्रोवाइड इन एन अंडरग्राउंड कोल माइन शैल बी एग्जामिन्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी -- बाय एन -- और अदर कॉम्पिटेंट पर्संस ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द -- एंड ए रिपोर्ट ऑफ एवरी सच एग्जामिनेशन शैल बी साइंड। फ्रेंड्स, जैसे ही ये लाइन आप पढ़ते हैं तो कोल माइंस रेगुलेशन जो है उसकी सब रेगुलेशन 2 में मेंशन की हुई है कि पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट्स, उसमें आपको ये बात बताई गई है कि एवरी मैकेनाइज्ड आउटलेट्स जिसमें जो अंडरग्राउंड कोल माइन के लिए है वो एग्जामिन्ड की जाएगी प्रत्येक 7 दिन में एक बार बाई एन, किसके द्वारा, तो इंजीनियर द्वारा, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और फोरमैन और इंजीनियर द्वारा, या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द इंजीनियर द्वारा एंड ए रिपोर्ट ऑफ एवरी सब एग्जामिनेशन शैल बी साइंड। तो यहां पर ऑप्शन देखिएगा तो ये 7 डेज इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और होरमैन इंजीनियर दिया हुआ है, बी में 7 डेज माइनिंग सरदार ओवरमैन मैनेजर दिया है, सी में मंथली दिया हुआ है, डी में 15 डेज दिया हुआ है, ई में क्वार्टरली दिया हुआ है। तो यहां पर आप जो रेगुलेशन पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट्स है उसकी मैं यहाँ पर रेगुलेशन नंबर नहीं लिखा हूं, उसके सब रेगुलेशन 2 लिखा हूं, आप उसका रेगुलेशन नंबर देख लीजिएगा। तो इसमें आपको पहले पॉइंट में कहता है उस प्लेस का आउटलेट्स जो है उसकी प्लेस का एग्जामिनेशन ओवरमैन द्वारा की जाएगी, 7 दिन में ही की जाएगी, लेकिन वो मैनेजर द्वारा ऑथराइज्ड नहीं रहती है, ओवरमैन की ड्यूटी को वो परफॉर्म करना ही पड़ता है, प्रत्येक 7 दिन में आउटलेट्स की एग्जामिनेशन करनी पड़ती है। लेकिन जो सब रेगुलेशन 2 है उसमें मैकेनाइज्ड आउटलेट्स की एग्जामिनेशन की बात करता है, इसलिए आंसर ए को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा। फ्रेंड्स, अब आते हैं अपन दूसरे नंबर के क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन 57 है उसमें कहता है अबाउट -% ऑफ द इंस्टॉल्ड रूफ बोर्ड्स शुड बी लिस्टेड अप टू द डिजाइंड कैपेसिटी एंड रेस्ट -% मे बी सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। फ्रेंड्स, इसमें डीजीएमएस की सर्कुलर थी जिसमें कहा गया था कि जो भी रूफ बोल्ट्स इंस्टॉल किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उसमें से 10% बोल्ट का टेस्टिंग किया जाएगा, एंकरेज टेस्टिंग मशीन से टेस्टिंग किया जाएगा कि वो कितना लोड ले रहा है, साथ ही जो है उसमें से 1% बोल्ट को डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग
एक्सीडेंट के कारण से प्रोहिबिट कर दी गई है दोस्तों, लेकिन प्रश्न पूछा है तो उसके उस सर्कुलर के अनुसार इसके जवाब देना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए अबाउट 9% ऑफ द इंस्टॉल्ड रूफ बोर्ड शुड बी लिस्टेड अप टू द डिजाइन कैपेसिटी एंड रेस्ट 1% में बी सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। बी नंबर में 5-10 तो हो नहीं सकता, सी नंबर में 10-5 भी नहीं हो सकता, डी नंबर में 3-5 भी नहीं हो सकता, ई नंबर में 8-2 भी नहीं हो सकता, इसलिए ए नंबर को टिक लगाते हुए आगे क्यों बढ़िएगा। मैं यहां पर अपनी कमेंट्स लिख दिया हूं। अकॉर्डिंग टू डीजीएमएस सर्कुलर इंक्रीज टेस्टिंग ऑफ रूफ बोल्ट 10% ऑफ इंस्टॉल्ड रूफ बोल्ट्स एंड इन विच 1% ऑफ इंस्टॉल्ड रूफ बोल्ट डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बट डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग प्रोहिबिटेड आफ्टर एक्सीडेंट ड्यूरिंग दिस। तो आंसर ए को टिक लगा करके आप आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 58 है वो क्या कहता है। आरएमआर ऑफ इमीडिएट रूफ किसको कहते हैं फ्रेंड्स, जो अंडरग्राउंड माइन में छत दिखाई देती है उससे 6 मीटर की जो डेप्थ है रूफ में जो डेप्थ है वो इमीडिएट रूफ कहलाती है। तो आरएमआर ऑफ इमीडिएट रूफ इन अंडरग्राउंड माइन वो 55 दिया हुआ है दोस्तों, 55 दिया हुआ है। इसका मतलब आप क्लास समझ सकते हैं कि कौन सी क्लास का है, वेरी पुअर है, पुअर है, गुड फेयर है कि गुड है। तो आप ये जान सकते हैं कि जब 0 से 20 के बीच में रहती है तो वेरी पुअर रहती है, और अगर 21 से 40 के बीच में है तो पुअर कहलाती है, और 41 से 60 के बीच में रहती है तो फेयर कहलाती है। तो यहां पर ये जो रूफ है वो फेयर कहलाएगी, और जब आप 61 से 80 के बीच में कहते हैं तो उसको गुड कहते हैं, और अगर 81 से 100 के बीच में तो उसको एक्सेलेंट या वेरी गुड कहते हैं। तो यहां पर ये फेयर कहलाएगी। अंडरग्राउंड माइन की जो रूफ की क्लास है वो आरएमआर 55 दिया है। फॉर 3 मीटर वाइड गैलरी विड्थ दिया हुआ है एंड द रॉक विल बी अप्रोक्सीमेटली, और रॉक जो है कौन सी रॉक, रॉक लोड विल बी अप्रोक्सीमेटली, रॉक लोड निकालने के लिए यानी कि रूफ रॉक लोड निकालने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स। रूफ रॉक डेंसिटी दी हुई है 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर। ये तो याद ही रखने की बात है दोस्तों, जहां मेरी कर्सर घूम रही है उसके साथ साथ आप अपनी नजर घुमाने का प्रयास कीजिए कि ये जो 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर जो दिया हुआ है रूफ रॉक डेंसिटी, ये इंडियन कोल माइन्स के लिए लगभग कॉन्स्टेंट के बराबर रहती है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसके आधार पर। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव्स है उस पर ध्यान देने की जगह पर मैं आपको एक फॉर्मूले पर बात करना चाह रहा हूं जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो यहां पर जो फॉर्मूला गिवन बाय सिम्फर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च द्वारा जो दी गई है एंड जिसको डीजीएमएस ने एक्सेप्ट किया है अपने टेक्निकल सर्कुलर के तहत, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है फ्रेंड्स। L इक्वल्स टू W इंटू डी ब्रैकेट में 1.7 माइनस 0.037 आरएमआर प्लस 0.0002 आरएमआर का होल स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए सही तरीके से, आराम से, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है ना। तो न्यूमेरिकल प्रश्न है, कहीं एक भी पॉइंट की एक भी नंबर की इधर उधर हुई मिस्टेक हुई तो आंसर गलत आ जाएगी फ्रेंड्स। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने के बाद देखिएगा कि 2.025 टन पर स्क्वायर मीटर आएगी। तो आंसर यहां पर आप मैच करने का प्रयास कीजिए, फिर देखिए कि यहां पर 2.025 यानी कि 2 टन पर स्क्वायर मीटर लगभग बी नंबर जो है मैच कर रही है। यहां पर जो दोस्त यहां पर जो फॉर्मूले में टर्म्स जो आए हुए हैं इन टर्म्स को बड़ा ध्यान से आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न 3-4 आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। इस प्रश्न का आपको ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन इस प्रश्न से रिलेटेड 2 प्रश्न आनी ही आनी है। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है L इक्वल्स टू W, तो L जो है रूफ रॉक लोड हो गई टन पर मीटर स्क्वायर में, W हो गई विड्थ और हाइट ऑफ द गैलरी विच एवर इज ग्रेटर देन, यानी कि जो अधिक होगा विड्थ अगर अधिक है या हाइट अधिक है तो उसमें से जो अधिक होगा उसको लेंगे। यहाँ प्रश्न में केवल विड्थ दिया है तो 3 मीटर लिए हैं, और कैपिटल D जो दिया हुआ है वो डेंसिटी ऑफ रूफ रॉक है टन पर क्यूबिक मीटर में, ये आपको याद ही रखना है कि इतनी रहती ही है। और आरएमआर दिया हुआ आपको रॉक मास रेटिंग वो 55 दिया है, इसकी वैल्यू को आप पुट करिए और आंसर लाइए। इस तरह से 3-4 प्रश्न आप बदल बदल करके आप इसका प्रैक्टिस करिए। अब अगर यहां पर दोस्तों अगर आती है रूफ रॉक लोड जो भी आए, जैसे कि यहां पर 2 टन पर मीटर स्क्वायर आई है, तो आप ये जो आरएमआर है
और आरएमआर के आधार पर जो आपने रूफ रॉक लोड निकाला है, आरएमआर के आधार पर जो आपने रूफ रॉक लोड निकाला है, तो आरएमआर का जो पर्पज है वो क्या है फ्रेंड्स, सपोर्ट प्लान डिजाइन करना, सपोर्ट प्लान डिजाइन करना। अब फ्रेंड्स आरएमआर के आधार पर जो हम लोग जो गैलरी जो होती है, जो अपनी गैलरी होती है, उसमें हम लोग ये कह दिए कि 2 टन अभी एल जो आई यानी कि रूफ रॉक जो लोड आई है वो आई है, कितनी आई है, 2 टन पर मीटर स्क्वायर आई है। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी जो ब्रेकिंग लोड रहती है उसकी लोड से हम उतना पर तक न पहुंचाए, मैक्सिमम लोड हम लोग कितना उसमें दे सकते हैं, उस आधार पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इफ करके हम लोग लेंगे कि इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी टेकन, जिसको हम लोग FOS कहेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को टेकन कितना, 2, तो उस केस में जो L वो डैश होगी वो क्या हो जाएगी, 2 × 2 हो जाएगी, यानी कि 4 टन पर मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स ये जो आपकी 4 टन आ रही है पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आप ये ध्यान देने का प्रयास कीजिए कि ये जो ब्लॉक मैं बनाने जा रहा हूँ रूफ रॉक का, ये ब्लॉक आपको 4 टन का लोड नीचे की ओर डाल रही है, 4 टन का लोड नीचे की ओर डाल रही है, यानी कि ये जो रूफ रॉक, इमीडिएट रूफ रॉक मैं बनाने का प्रयास किया हूँ, ये जो रूफ रॉक है 4 टन का लोड नीचे की ओर डाल रही है, ये नीचे की ओर आपने कह दिया कि 4 टन का लोड डाल रही है, तो आप इससे नीचे से ऊपर की ओर जो आप सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, ऐसा सपोर्ट का टाइप रहेगा, सपोर्ट का टाइप ऑफ सपोर्ट। अब ऐसा ढूंढिएगा, ऐसा सर्च कीजिएगा जो 4 टन का लोड नीचे आ रही है वो नीचे से ऊपर जो आप सपोर्ट देने का प्रयास कर रहे हैं वो ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये 4 टन के जो मैक्सिमम लोड हो सकती है उसको वो बियर कर सके, यानी सहन कर सके। तो टाइप ऑफ सपोर्ट आप सर्च करते हैं जितने आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें से आप ये सोचते हैं कि आप डिसाइड करना है आपको कि क्या जो है हम यहाँ पर सपोर्ट दें, तो 4 टन प्रॉप नहीं दे पाती है, 4 टन पर मीटर स्क्वायर का वो सपोर्ट नहीं कर पाती है, लेकिन जो रूफ बोल्ट है, सीमेंट ग्राउटेड, यहां तक मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी नीचे वाली बोर्ड की पोर्शन, सॉरी फ्रेंड्स आपको नहीं दिखाई दे रही, मैं और डाउन कर देता हूं, ये जो है आपको अब दिखाई दे रही होगी। तो वो टाइप ऑफ सपोर्ट डिसाइड कर लिए आपने, सीमेंट ग्राउटेड रूफ बोल्ट, सीमेंट ग्राउटेड रूफ बोल्ट आपने डिसाइड किया, जैसे ही सपोर्ट कि आपको एक मीटर स्क्वायर में आपको देनी है क्या, एक रूफ बोल्ट। अब एक रूफ बोल्ट जो 8 टन मिनिमम डीजीएमएस के अनुसार, और प्रैक्टिकली भी हम लोग देखते हैं कि मिनिमम ये 8 टन का लोड बियर कर लेती है, तो आपने 4 टन का लोड नीचे देख रहा है कि नीचे दे रहा है, और आप ये जो आप ऊपर से जो इधर से जो आप सपोर्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो है ये आपका कितना है, 8 टन, 8 टन का सपोर्ट आप नीचे से ऊपर की ओर दे रहे हैं। अब अगर ये जो गैलरी है इधर मैं बना देता हूं कि ये जो गैलरी है डेवलप्ड गैलरी है या स्प्लिट गैलरी है,
इसको आप 4.2 मीटर का ड्राइव किए हुए हैं, तो आप एक लाइन में जो आप सपोर्ट लगाएंगे इस तरह से लगाएंगे कि ये जो सपोर्ट होगी एक मीटर के इंटरवल पर होगी, और एक मीटर के इंटरवल पर मैं देखिए यहां पर लगाने का प्रयास किया हूं कि एक बोल्ट लगाया, दूसरा बोल्ट लगाया, तीसरा बोल्ट लगाया, चौथा बोल्ट लगाया। अब यहां पर आपको ये डिजाइन करना है, सपोर्ट का डिजाइन करना है कि इनके बीच का जो इंटरवल है, इनके बीच का जो इंटरवल, देखिए तीन इंटरवल आपके सामने दिखाई दे रही होगी, एक मीटर, एक मीटर, एक मीटर। अब यहां पर जो साइड से आपको जो दिखाई दे रही है, ये डीजीएमएस कहता है कि साइड से या फेस की पहली लाइन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है 0.6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आप अगर इसको 0.6 ही लेते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं, 0.4 भी ले सकते हैं, तो ये 0.6 मीटर जो है आपने लिया, तो आप जोड़ के देखिए, ये 1113 मीटर हो गए और 0.6 1.2 मीटर हुआ, तो 4.2 मीटर आपने ये लगा लिया। इस तरीके से इस लाइन में आपको ये सपोर्ट करते जाना है, 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 और एक मीटर के इंटरवल में फिर से आपने ये सपोर्ट किया। तो इस तरीके से आप एक एक मीटर के इंटरवल में इस तरीके से आपने सपोर्ट जब करके जाएंगे, तो ये जो सपोर्ट होगी वो एक मीटर स्क्वायर एरिया में जो आपका रूफ बोल्ट लग रहा है, रूफ बोल्ट लग रहा है, अगर मैं एक रूफ बोल्ट की बात करूं तो ये जो है इतनी एरिया कवर करती है, इतनी एरिया कवर करती है। अब इसके बाजू वाला ये वाले रूफ बोल्ट कवर करेगी, तो ये हो गई 1 मीटर स्क्वायर, ये वाली जो है एरिया हो गई, जो 1 रूफ बोल्ट आपको सपोर्ट बियर कर रहा है, मिनिमम 8 टन सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो आपने ये देखा कि ये रूफ रॉक लोड जो ऊपर से यहां पर आ रही है 4 टन की, नीचे से आपने जो रूफ बोल्ट ये लगाई है, ये ऊपर की ओर 8 टन लोड सहन कर रही है, काम कर सकती है। अब यहां पर मैं एक तो बना दिया आपकी क्या थी, स्प्लिट गैलरी या डेवलपमेंट गैलरी की, लेकिन जो जंक्शन पर रहती है, जंक्शन पर डीजीएमएस जो है वो कहते हैं कि 25% एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको करनी है फ्रेंड्स, 25% एक्स्ट्रा सपोर्ट करनी है। तो एट जंक्शन तो ये कौन सी जंक्शन हो सकती है, डेवलप्ड हो सकती है, डेवलप्ड हो सकती है, या स्प्लिट हो सकती है। तो ये जो फर्स्ट नंबर में आपने देखा कहा के लिए डेवलप्ड स्प्लिट गैलरी के लिए, ये सेकंड नंबर में आपने देख रहे हैं जंक्शन पर। तो यहां पर जो जंक्शन पर कहा जाता है, पहले से आप देखिएगा कि 4 बोल्ट 25%, यहां पहले आप लिख लीजिए कि 25% एक्स्ट्रा रहता है, 25% एक्स्ट्रा बोल्ट। तो 25% जो एक्स्ट्रा बोल्ट रहती है, आप पहले से देखिएगा कि एक 4 बोल्ट आपके यहाँ पर लगे हुए हैं फ्रेंड्स, 4 बोल्ट लगे हुए हैं, कैसे लगाना है ये भी जो है आप सीख जाइए। ये देखिए, ये 4 बोल्ट पहले से लगे हुए हैं, 4 बोल्ट पहले से लगे हुए हैं। चार बोल्ट एक लाइन में लगे हुए, तो 4x4 जो प्रीवियस बोल्ट यहां पर बराबर 16 होगा, 4x4 16 बोल्ट होंगे, लेकिन इसका 25% ऑफ 16 निकालिएगा तो आपकी 4 आएगी फ्रेंड्स, 4 बोल्ट आएंगे। तो 4 वोल्ट आपको लगाना है यहां पर एक्स्ट्रा, 4 वोल्ट एक्स्ट्रा लगाना है, 4 वोल्ट एक्स्ट्रा लगाना है, 4 वोल्ट एक्स्ट्रा लगाना है, 4 वोल्ट एक्स्ट्रा लगाना है। तो 4 वोल्ट एक्स्ट्रा जो है फ्रेंड्स, आप मेरे पास एक चौक एक ही है, मैं नेक्स्ट कलर कोशिश करूंगा, तो आप यहां पर मैं डार्क द्वारा रेंडमली जो है आप 4 वोल्ट कहीं पर घुसा दीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा अपने आप को कि 4 वोल्ट जो है आपको रेंडमली कहीं पर भी जो है घुसा देना है। तो ये मैंने 4 वोल्ट जो है रेंडमली घुसा दिया, तो ये जो 4 वोल्ट आपने एक्स्ट्रा लगाया है यही जो है क्या कहलाएगा, जंक्शन पर आपने एक्स्ट्रा सपोर्ट बोल्ट किया है। तो अब तीसरे नंबर में बात करना चाहता हूं दोस्तों, एट गो फेज
एट गोफ एज, गोफ एज। तो गोफ एज पर जहां पर आपकी बात करूं मैं कि ये जो है गोफ एज है, एट गोफ एज, तो गोफ एज पर भी जो है आप कह रहे हैं कि एक लाइन में चार वोल्ट पहले से लगा हुआ है, एक लाइन में चार वोल्ट पहले से लगा हुआ है, एक लाइन में चार वोल्ट पहले से लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ये कहा जाता है कि थ्री टाइम्स एक्स्ट्रा, थ्री टाइम्स एक्स्ट्रा जो है सपोर्ट करनी है फ्रेंड्स, थ्री टाइम्स एक्स्ट्रा, थ्री टाइम्स एक्स्ट्रा। तो थ्री टाइम्स एक्स्ट्रा यानी कि एक लाइन में अगर चार वोल्ट लगी हुई है तो थ्री टाइम्स एक्स्ट्रा जो है फोर इंटू थ्री हो जाएगा, यानी कि बारह वोल्ट, ये बारह वोल्ट, थ्री टाइम्स एक्स्ट्रा सपोर्ट आप करिएगा तो बारह वोल्ट जो है आपको यहां पर करनी होगी। अब इसमें आप हाफ हाफ मीटर के दूरी पर आप जो है 12 वोल्ट सजा दीजिए फ्रेंड्स, हाफ हाफ मीटर की दूरी पर 12 वोल्ट आप सजा दीजिए। तो ये जो आप यहां पर लगाएंगे 12 वोल्ट वो जो है कहलाएगी क्या चीज, 12 वोल्ट, ये एट गोफ एज पर कहलाएगी दोस्तों। तो ये तीसरी पॉइंट आप ध्यान में रखिए, अगर पिक लेना चाहते हैं, क्लिक लेना चाहते हैं तो इसकी ले लीजिए, बहुत ही ये मददगार साबित होगी आपको अपने माइंस में सपोर्ट प्लान डिजाइन करने में। तो इसी तरह से अगर आप, जहां तक है फ्रेंड्स, आप ले लिए होंगे क्या चीज, पिक्स ले लिए होंगे फ्रेंड्स, अगर आपको अपने माइंड में सपोर्ट डिजाइन करनी है, सपोर्ट का प्लान करना है, तो इसके साथ साथ कहीं कहीं रूफ जो है क्रस्ड होते हैं, जियोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, वहां पर और नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सपोर्ट करने की बात करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि रूफ बोल्ट ही से ही आप सपोर्ट करने का प्रयास करें, वहां पर आप कॉग से, चौक से, स्टील आर्क से, केबल बोल्टिंग से, या और भी जो सपोर्ट वहां पर जगह के अनुसार सुटेबल लगते हैं वो आप करके अपने वर्क प्लेस को सिक्योर कर सकते हैं और अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं, सेफ कर सकते हैं वहां पर काम करने वाले लोगों को फ्रेंड्स। तो ये जो आपके सामने आई है क्वेश्चन नंबर 58 फ्रेंड्स, ये आपको बहुत मददगार साबित होगी, अपने आपके सामने मैं जो बोर्ड में बताने का प्रयास किया हूं वो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ता हूं मैं, आगे की ओर क्वेश्चन नंबर जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दोस्तों क्या कहता है, ये कहता है, चलें दोस्तों, इंपीरिकल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ शाफ्ट पिलर इज गिवन बाय, देखिए यहां पर एक इंपीरिकल फॉर्मूला दी हुई है किसके लिए, शाफ्ट पिलर का रेडियस, शाफ्ट पिलर का रेडियस कैपिटल आर बराबर के वन प्लस एच वन 1045 प्लस एच टू 10 थीटा, वेयर थीटा रिप्रेजेंट, यहां पर थीटा जो है क्या रिप्रेजेंट करती है ये बताने का, शाफ्ट पिलर क्या होती है फ्रेंड्स, शाफ्ट पिलर क्या होती है, मैं यहां बीच बीच में इधर से मैं देखने का प्रयास करूंगा, मैं इसको मिटा देता हूं फ्रेंड्स, शाफ्ट पिलर क्या होती है ध्यान दीजिएगा, मैं मिटा भी रहा हूं और आपको बताने का प्रयास भी कर रहा हूं। शाफ्ट पिलर जो है, जब आप लोग शाफ्ट खोदते हैं, शाफ्ट ड्राइव करते हैं और जैसे ही पोल यानी कि कुआं ड्राइव करते हैं और जैसे ही पोल सिम से वो शाफ्ट टच होती है, तो वो शाफ्ट टच होने के साथ ही वो ये कहते हैं कि शाफ्ट को हमको लंबे समय तक, जब तक माइन चलती है तब तक जो है उसको बना करके रखना पड़ता है, सिक्योर करके रखना पड़ता है। आपने ये शाफ्ट ड्राइव किया है 5 मीटर समथिंग, 4 मीटर का, 6 मीटर का ये शाफ्ट ड्राइव किया है, तो ये शाफ्ट के चारों ओर जैसे ही आपने कोल सिम को इससे ज्वाइन किया, कोल सिम से आपने इसको ज्वाइन किया, ये है आपका कोल सिम, कोल सिम से ज्वाइन किया, तो ये आपको मैं सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये जो इसके चारों ओर का जो एक ब्लॉक होता है, चारों ओर का एक ब्लॉक होता है जिसका एक रेडियस, मैं यहां पर अगर सर्कल ड्रॉ करने का प्रयास करूं तो ये रही आपके सामने ये सर्कल, ये रही सर्कल, तो इस सर्कल को जो एक कोयले की एक ब्लॉक रहती है बीच में आपका, यहां पर
ये शाफ्ट है, ये जो है शाफ्ट है, शाफ्ट है, और ये जो ब्लॉक आपने छोड़ा है कोयले के ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक, कोल का सॉलिड ब्लॉक, लेफ्ट कोल सॉलिड ब्लॉक, इसी को हम लोग कहते हैं शाफ्ट फिलर। तो प्रश्न में ये जो आपको दिखाई देगी शाफ्ट फिलर, इसको हम लोग कहते हैं शाफ्ट फिलर। कोल का सॉलिड ब्लॉक छोड़ना है इसके चारों ओर, बाईपास के लिए हम लोग इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता बनाते हैं, ओपनिंग करते हैं डीजीएम से परमिशन लेकर के, लेकिन ये जो ब्लॉक है यही कहलाती है शाफ्ट फिलर। तो यहां पर दोस्तों शाफ्ट फिलर आपने समझ लिया। इसकी रेडियस प्रश्न में कहा है कि रेडियस कितनी होनी चाहिए, इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये आपकी रेडियस है, ये कैपिटल आर है। तो यहां पर जो फॉर्मूला पिक लेना चाहते हैं तो पिक ले सकते हैं फ्रेंड्स, पिक ले सकते हैं। तो ये जो शाफ्ट फिलर है ये कितनी रेडियस का होनी चाहिए, इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले तैयार किए गए हैं, और इस फॉर्मूले के तहत उसका रेडियस निकाला जाता है। आपके सामने फिर से मैं उस फॉर्मूले को जो प्रश्न में दी हुई है लेके आ गया हूं। आर इक्वल टू के वन प्लस एच वन टेन फोर्टी फाइव प्लस एच टू टेन थीटा, वेयर थीटा रिप्रेजेंट। तो यहां पर थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, ए नंबर पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज, बी नंबर एंगल ऑफ ड्रॉस, सी नंबर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, डी नंबर एंगल ऑफ फ्लीट, ई नंबर डिपिंग एंगल ऑफ सीम। तो मैं रेफरेंस यहां पर बोर्ड में तो दिखाया है, शाफ्ट फिलर बताया ही, लेकिन यहां पर मैं रेफरेंस फर्स्ट क्लास मैनेजर कोल जो विनिंग एंड वर्किंग जो मेरी पांचवा नंबर की जो नोट्स है उसके 66 पेज में मैं कट पेस्ट करके रखा हूं फ्रेंड्स, कि डिजाइन ऑफ शाफ्ट फिलर, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि डिजाइन ऑफ शाफ्ट फिलर यहां पर क्या है। पहले नीचे वाले फिगर टू को समझ लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद जो है फिगर वन को समझिएगा। ये रहे, तो देखिए फिगर टू को आप समझने का प्रयास, ये देखिए यहां पर ये शाफ्ट है, और शाफ्ट के चारों ओर आपने एक कोल का, जैसे ही आप कोल सीम में ज्वाइन किया तो कोल का एक आप जो है ब्लॉक छोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि शाफ्ट लंबे समय तक बना रहे। बेस जैसे आप बिल्डिंग तैयार करते हैं तो बेस जो है मजबूत रखने का प्रयास करते हैं, ताकि कई पुश्तों तक वो बिल्डिंग चलता रहे और बेस मजबूत रहे, मजबूत रहेगी तभी ये पॉसिबल है। तो यहां पर जो आपने सरफेस पर एक पॉइंट ए ड्रॉ किया लिया है, और सरफेस इस पर इधर जो है शाफ्ट दूसरे किनारे पर बी पॉइंट लिया है, और ये बी पॉइंट जो है ए और बी को वर्टिकली आप कोल सीम के ऊपर ड्रॉ किए हैं, जो कि ये वर्टिकल लाइन है, और ये जो लाइन है दोनों तरफ की वर्टिकल लाइन है। इस वर्टिकल लाइन को आपने एक एंगल के लाइन ड्रॉ किया है, ये जिसको लिमिट लाइन हम लोग कहते हैं, लिमिट लाइन ड्रॉ किया है, और ये थीटा जो है यहां पर एंगल ऑफ रिपोज है, सॉरी एंगल ऑफ रिपोज है। तो एंगल ऑफ रिपोज जो अपनी कोल सीम की होती है, मैं पहले एक डेफिनेशन बता चुका हूं कि एंगल ऑफ ड्रॉ एंगल ऑफ रिपोज क्या होती है। तो यहां पर मैं बोर्ड में बता देना चाहता हूं कि आपको एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ ड्रॉ का क्या होता है। दोस्तों एंगल ऑफ रिपोज आप ये समझिए कि एक बोरी बालू है जिसको आप जमीन में उड़ेलते हैं, तो वो जो बालू का स्लोप तैयार होता है धरती के साथ, जो स्लोप एंगल बनाती है, ये जो धरती है धरती के साथ जो बालू का स्लोप तैयार होता है, वही एंगल जो है उस मटेरियल की एंगल ऑफ रिपोज कहलाती है। अब एंगल ऑफ ड्रॉ क्या होता है, हर मटेरियल के लिए जो एंगल ऑफ रिपोज है वो अलग अलग होता है, और जो हमले इंडियन रूफ रॉक है उसके लिए एंगल ऑफ ड्रॉ जो है लगभग 24 डिग्री ये रखी गई है, लेकिन वो जगह जगह पर वेरी करती है रूफ रॉक के हार्डनेस नेचर के आधार पर, सरफेस से गहराई के आधार पर। तो ये जो एंगल ऑफ ड्रॉ है ये हम लोग कहते हैं क्या, एंगल ऑफ रिपोज आपने समझ लिया होगा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ जो ड्रॉ है, एंगल ऑफ ड्रॉ है
एंगल ऑफ ड्रॉ है, आप ये कहते हैं कि जो आपकी सरफेस में जो आप सब्सिडेंस होती है, ये सब्सिडेंस की मैक्सिमम एक्सटेंट पॉइंट है, एक्सटेंशन पॉइंट है ये वाली। और अंडरग्राउंड माइन में आप कोल सीम में जो वर्किंग करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो कोल सीम का एक्सट्रैक्शन का ये जो एज पॉइंट है, एक्सट्रैक्शन का ये एज पॉइंट है, ये ओपनिंग है या एक्सट्रैक्शन एरिया है, एक्सट्रैक्शन एरिया, एक्सट्रैक्शन एरिया, एक्सट्रैक्शन विड्थ या एक्सट्रैक्शन एरिया कहें, विड्थ इन यूजी। और ये जो है आपको एक्सट्रैक्शन एज है, एज, ईडीजी, एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एज ऑफ एक्सट्रैक्शन। और ये जो पॉइंट है जो सरफेस पर है, ये सरफेस पर, ये आपकी सरफेस है, दिखाई दे रही होगी जहां तक है, तो ये सरफेस है, तो एज ऑफ सब्सिडेंस, यहां पर एज ऑफ एक्सट्रैक्शन और एज ऑफ सब्सिडेंस, इसको हम लोग कहेंगे एज या लिमिट ऑफ सब्सिडेंस। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिलाइए तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लिमिट लाइन, ये जो पॉइंट है कहलाती है लिमिट लाइन, लिमिट लाइन। अब ये लिमिट लाइन वर्टिकल लाइन से जो एंगल बनाती है, ये है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये जो एंगल बनाती है यही थीटा एंगल ऑफ रिपोज कहलाती है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी कि एज ऑफ सब्सिडेंस, एज यानी लिमिट ऑफ सब्सिडेंस, और जो अंडरग्राउंड एक्सट्रैक्शन विड्थ इन अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में इन्होंने आपने एक्सट्रैक्शन किया उसका ये एज है रूफ के पास, इस एज ऑफ एक्सट्रैक्शन को जो एज ऑफ सब्सिडेंस है उससे मिलाने वाली जो लाइन है वो लिमिट लाइन कहलाएगी। लिमिट लाइन वर्टिकल लाइन से जो एंगल बनाती है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ ड्रॉ, सॉरी एंगल ऑफ ड्रॉ, एंगल ऑफ ड्रॉ। तो एंगल ऑफ ड्रॉ आपने एक थीटा से शो कर दिया, जो कि उस सॉफ्ट पिलर के लिए वहां पर थीटा जो है दिखाई गई है, एंगल ऑफ रिपोज भी आप समझ लिए हैं। अब मैं आता हूं आपके नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि प्रश्न में दी हुई है, ऑब्जेक्टिव में दी हुई है, आप ध्यान देने का प्रयास कीजिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन फ्रेंड्स जो आप पढ़ते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो कि कोई बॉडी जहां पर वो फ्रिक्शन जिस एंगल पर करती है, जैसे कि आपने एक प्लेन लिया है, इस प्लेन पर ये जो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक आप इस रस्सी के सहारे इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और इसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ट्रॉली को आप लेके जा रहे हैं स्टेशन पर, फ्लैट जो इंक्लाइन जो रोडवे रहती है, इंक्लाइन जो पाथ रहती है चढ़ने की, उसमें आप खींच रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन जो है, ये प्लेन जो है जो हॉरिजॉन्टल तल जो है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, जो आप खींचते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, और इस बॉडी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वेट है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल आप लाइन ड्रॉ किए हैं, ये जो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन है, वो जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाती है, वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाती है वही जो है कहलाती है फ्रिक्शनल फोर्स। थीटा डैश अगर कह दे तो यही जो है फ्रिक्शनल एंगल कहलाती है, फ्रिक्शन एंगल कहलाती है। तो आप फ्रिक्शन एंगल भी, फ्रिक्शनल फोर्स वर्टिकल लाइन से जो एंगल बनाती है उसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब एंगल ऑफ फ्लिट, एंगल ऑफ फ्लिट आप समझ चुके हैं, जो वाइंडिंग वाली जो इक्विपमेंट है वहां पर
फ्लिट एंगल की बात करते हैं कि कितनी डिग्री से अधिक नहीं अधिक होनी चाहिए, जो कि 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए, वही एंगल ऑफ फ्लिट की बात करता है। डिपिंग एंगल ऑफ सीम जो नेक्स्ट वर्ड है, जो कोल सीम की जो डिपिंग एंगल है, जो डिप हम लोग कहते हैं, वो एंगल की बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो यहां पर आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो फिगर नंबर 2 है, वो थीटा जो आप कह रहे हैं एंगल ऑफ ड्रॉप जो लेते हैं, उससे आप स्केल पर प्लान पर अपना ये ड्रॉ करते हुए इस लाइन को जहां पर ये टच करती है, उसी तरह से बी पॉइंट से ये एंगल ऑफ ड्रॉप 24 डिग्री या समथिंग जो भी हो, उतनी डिग्री पर आपने इन्होंने ड्रा किया, तो स्केल पर जो इतनी लेंथ आपको मिलती है यहां से यहां तक, ए डैश बी डैश जिस जगह पर ज्वाइन होती है, यही जो है डायमीटर ऑफ दी शाफ्ट होगी, डायमीटर ऑफ दी शाफ्ट फिलर होगी, जिसको आप रेडियस में 2 से भाग करके निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई स्ट्राइक डायरेक्शन में दोस्तों, यानी कि जो आप स्ट्राइक डायरेक्शन में बात करते हैं उसके लिए। लेकिन जब आप डीप डायरेक्शन में काम डीप डायरेक्शन की बात करते हैं, मैं यहां पर एंगल ऑफ राइट साइड लिखा हूं और अलोंग द डीप साइड लिखा हूं, ये एंगल ऑफ डीप साइड लिखा हूं। तो यहां पर देखिए कि ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट जो कोल सीम इंक्लाइन आपको दिखाई दे रही है, इंक्लाइन दिखाई दे रही है इंक्लाइन डायरेक्शन में, यहाँ अल्फा जो है आपकी एंगल ऑफ डीप है, एंगल ऑफ डीप है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ डीप है, और ये जो थीटा आर है वो एंगल ऑफ जो है राइट साइड है, एंगल ऑफ राइट साइड, एंगल ऑफ जो ड्रॉ है उसकी राइट साइड में है, और थीटा जो यहाँ पर अल्फा कही है, थीटा अल्फा जो है वो आपकी जो है एंगल ऑफ डीप साइड है, तो एंगल ऑफ जो ड्रॉ है वो डीप साइड है, तो एंगल ऑफ ड्रॉ डीप साइड या थीटा डी जो है वो थीटा जो एंगल ऑफ ड्रॉ होगी उसका +2/3 अल्फा होगी, और ये जो थीटा -1/3 अल्फा है वो राइट साइड में एंगल ऑफ रिपोज की बात करता है, एंगल ऑफ ड्रॉ की बात करता है, वो थीटा -1/अल्फा होगी। तो इस पिक्चर को आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स की डीप डायरेक्शन जो सीम ढली रहती है वो कैसी रहती है, और जो स्ट्राइक डायरेक्शन में रहती है वो कैसी रहती है। आंसर जानने से पहले आपको इसको समझ लेना होगा वर्ड में, नेक्स्ट पेज में देखिए मैं यहां पर अपने नोट्स में लिख करके लिखा हूं कि डिजाइन ऑफ शाफ्ट पिलर क्या होता है। ध्यान से आराम से पढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए पहला नंबर में क्या लिखा हूं मैं, शाफ्ट पिलर के डिजाइनिंग हेतु लार्ज नंबर ऑफ फार्मूला है परंतु मेथड ऑफ ड्राइंग सबसे बेस्ट है। यानी कि आप प्लेन पेपर पर ड्रॉ करके जो आप तैयार करते हैं रेडियस की, इतनी रेडियस हमारी शाफ्ट पिलर की रहेगी तो शाफ्ट हमारा टिका रहेगा, उसको हम लोग मेथड ऑफ ड्राइंग कहते हैं, वो बेस्ट मेथड है। एक आपके प्रश्न में फॉर्मूला दी हुई है तो वो फॉर्मूला जो है से भी आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला यहां पर दी हुई है। अब देखिए फिगर नंबर 1 की बात करता है कि माना ए बी सर्फेस पर प्रोटेक्ट की जाने वाली एरिया है जो कि सीम के स्ट्राइक डायरेक्शन में है। देखिए सीम के ए स्ट्राइक डायरेक्शन में है, ए से बी तक जो कि सर्फेस पर प्रोटेक्ट की जाने वाली एरिया है। फिगर 2 है, वहां पर फिगर 2 जो है आपको लिखना चाहिए था, मैं फिगर 1 लिख दिया हूं, सॉरी। अब यहां पर देखिए 2 नंबर में, अब पॉइंट ए बी से एंगल ऑफ ड्रॉ इन लेवल डायरेक्शन में थीटा एंगल वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं वहां पर बताया था कि थीटा एंगल वाली लाइन को हम लोग जो है लिमिट लाइन को ड्रॉ करते हैं। यह लाइन कोल सीम को एडेस पर टच करती है, यहां एडेस पर टच की हुई है। इसी प्रकार बी से ड्रॉ की गई इंक्लाइन लाइन बीडेस पर टच करती है, जो कि यहां पर बीडेस पर टच की हुई है। अब एडेस बीडेस जो होगी, एडेस बीडेस लेंथ ऑफ शॉर्ट पिलर होगा जो स्ट्राइक डायरेक्शन में होगा। ये हो गई स्ट्राइक डायरेक्शन वाले के लिए। फिगर नंबर 2 में देखिएगा, माना सीडी जो है बराबर सरफेस पर प्रोटेक्ट की जाने वाली एरिया है, यानी कि ये फिगर जो आप 2 में देखिए यहां पर कि जो है फिगर जो 1 है आपकी, यहां पर सीडी जो है स्ट्राइक डायरेक्शन में की जाने वाली डीप डायरेक्शन में, माना सरफेस पर प्रोटेक्ट की जाने वाली एरिया सीम है जो डीप राइज डायरेक्शन में है, ये डीप राइज डायरेक्शन में है सीडी। अब इसको ठीक उसी तरीके से अब पॉइंट सी से इंक्लाइन लाइन थीटा आर के एंगल पर, थीटा आर यानी कि राइट साइड एंगल ऑफ ड्रॉ एंगल पर ड्रॉ करते हैं, तथा थीटा आर बराबर थीटा -1/3 अल्फा, यहां पर थीटा तो एंगल ऑफ ड्रॉ रहेगी, अल्फा जो है आपकी एंगल ऑफ डीप ऑफ द सीम रहेगी।
एंगल ऑफ डिप ऑफ दी सीम रहेगी, तो अल्फा यहाँ एंगल ऑफ डिप ऑफ सीम रखते हुए आप ये अल्फा को एंगल ऑफ रिपोज से, यानी कि एंगल ऑफ डिप अगर 24 डिग्री 20 डिग्री है तो या 18 डिग्री है तो 18 से 3 को भाग दे दीजिएगा तो 6 आएगी, और एंगल ऑफ रिपोज 24 है तो 24 में से 6 घटा दीजिएगा तो 18 आएगी, 18 डिग्री को आप लोग यहाँ पर ड्रा कीजिएगा। उसी तरह से अब इसी प्रकार पॉइंट डी से, यानी कि ए वाली जो पॉइंट यहाँ पर डी है, डी से इंक्लाइन थीटा डी के एंगल पर ड्रॉ करते हैं, जहां थीटा डी जो है थीटा प्लस 2/3 अल्फा रहता है, तो यानी कि 2/3 अल्फा प्लस कीजिएगा एंगल आप ड्रॉ में, तो उतनी एंगल आपको यहां से ड्रॉ करनी है। और ए सी डेस डी डेस जिस कोल सीम के जिस जगह पर टच करते हैं उस जगह को आप मिलाइएगा, वही जो होगी शाफ्ट फिलर होगी, जिसका हाफ जो है आपका डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस कहलाएगा। फ्रेंड्स तो ये आपने समझा क्या चीज कि कितनी होनी चाहिए। तो जो प्रीवियस प्रश्न में थी आंसर, आप एंगल ऑफ ड्रॉ बी नंबर एंगल ऑफ ड्रॉ और डिपिंग एंगल ऑफ सीम, ये दोनों जो है इसमें समाहित है, तो ये जो है आप डिपिंग एंगल ऑफ सीम ही जो है एच टू टेन थीटा होती है, डिपिंग एंगल ऑफ सीम जो है एच टू टेन थीटा का जो मतलब हो गया वो रिप्रेजेंट करेगी। तो उसको टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, जहां तक है आप समझ गए होंगे शाफ्ट पिलर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। ये क्वेश्चन नंबर 60 है जिसको हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रही है, पढ़ें तो फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। ये 10 मिलीमीटर थिक सैंपल, एक 10 मिलीमीटर थिक सैंपल है प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए 54 मिलीमीटर डायमीटर कोर वाज टेस्टेड फॉर ए टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी ब्राजीलियन टेस्ट, द ब्रेकिंग लोड वाज 0.75 टन, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दिस सैंपल विल बी नियरली इक्वल टू डस डस केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। समझिए प्रश्न पहले फ्रेंड्स, रॉक मैकेनिक्स की प्रश्न है, उसको मैं बोर्ड में भी समझाने का प्रयास करूंगा अगर आप कमेंट्स देते हैं, और डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। 10 मिलीमीटर थिक सैंपल है प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए 54 मिलीमीटर डायमीटर कोर, जो कि डायमीटर कोर जो दिया हुआ है उसकी 54 मिलीमीटर का दिया हुआ है, उसको टेस्ट किया जा रहा है ब्राजीलियन टेस्ट के तहत टेंसाइल स्ट्रेंथ, द ब्रेकिंग लोड वो 75 टन 0.75 टन जब उसके ऊपर लोड डालते हैं तो वो टूट जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दिस सैंपल विल बी, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी ये जो है आपको ध्यान में देना है फ्रेंड्स। मैं इसको मिटाता हूं, उसके बाद इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं, आपको समझ में आएगी। आपके सामने जो प्रश्न की कंडीशन दी हुई है इसको क्लिक लिए होंगे हमको, जहां तक है समझ गए होंगे बोर्ड और ये दोनों प्रश्न को। तो आपके सामने प्रश्न दी हुई एक सैंपल है, रॉक की एक सैंपल है, रॉक की एक सैंपल है, इसकी डायमीटर दी हुई है 54 मिलीमीटर, और ये थिकनेस दी हुई है 10 मिलीमीटर। अब इसके ऊपर ब्राजीलियन टेस्ट से लोड डाल रहे हैं, तो इसकी जो ब्रेकिंग लोड हो गई टूट गई जिस पर, ब्रेकिंग लोड वो दिया हुआ है 0.75 टन, जिसको आप अगर केजी में निकालते हैं तो इसी को आप केजी में भी निकाल सकते हैं, तो यहां पर ये जो है ब्रेक कर गई इस लोड पर, ये जो पीस है ये जो सैंपल है ये रॉक सैंपल है, ये इसी की बात करता है कि ये जो है ब्रेक कर गई, तो वो निकालने के लिए कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रॉक बराबर क्या होगा,
यहाँ पर मैं आपको जो स्क्रीन में ही लैपटॉप की स्क्रीन में ही मैं समझाने का प्रयास किया हूं कि ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी फार्मूला आपको सामने सिंपल की फिगर तो समझ में आ ही गई होगी। यहां पर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की फार्मूला है 2 into ब्रेकिंग और कंप्रेशन लोड जिस पर टूट जाती है कंप्रेस करने के बाद उसमें 2 का गुना कीजिए, याद रखने का प्रयास कीजिए। और ये पाई की वैल्यू है, ये डायमीटर है और उसकी थिकनेस है, पाई डी टी के रूप में कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा टी बराबर 2 into P डिवाइडेड बाय पाई डी टी। ये फॉर्मूला जुमिकिस की बुक में दी हुई है, आप उससे स्टडी कर सकते हैं और भी न्यूमेरिकल प्रश्न बना सकते हैं। तो आप देखिए 2 into 0.75 वैल्यू रखे, उसको केजी में, टन में दिया हुआ था, उसको केजी में आपने बदला है क्योंकि आपसे पूछा हुआ है प्रश्न में केजी स्क्वायर पर सेंटीमीटर जो है कितनी होगी, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी होगी। तो इसको आप 1000 से कन्वर्ट कर चुके हैं और ये पाई की वैल्यू है। डायमीटर जो है 10 मिलीमीटर, डायमीटर जो थिकनेस जो है वो आपके प्रश्न में दी हुई है 10 मिलीमीटर, तो उसको हम 1 सेंटीमीटर रखे हैं क्योंकि सेंटीमीटर में निकालने के लिए कहा है। उसी तरह से 54 मिलीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, उसको सेंटीमीटर में 5.4 निकाल के रखा है और जो कि वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो 82.88.2 आ रही है। आप यहां पर ऑब्जेक्टिव में नियर अबाउट देखिए आंसर किसकी है, तो अप्रॉक्स 90 आ रही है। आप आंसर बी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। दोस्तों मैं रॉक मैकेनिक्स बुक बाय ज्यूमिकिस पेज 206 में ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला दी हुई है। अब आते हैं, ये इसी को मैं देखिए यहां पर कट पेस्ट करके भी रखा हूं, पढ़िएगा आराम से समझ में आ जाएगी, इसमें कोई बात नहीं है। जो मैं सिंपल वहां पर लाने का प्रयास किया हूं वो जो है सिंपल को वहां पर ड्रॉ किया गया है ब्राजीलियन टेस्ट के तहत। फ्रेंड्स वैसे मैं एक बार पढ़ लेता हूं, सो कॉल्ड ब्राजीलियन टेस्ट, इन दिस टेस्ट ए सिलेंड्रिकल रॉक स्पेसिमेन लाइंग ऑन इट्स साइड इज लोडेड डायमेट्रिकली विथ ए कंप्रेशन लोड पी एज स्केच्ड इन द फिगर। इतना ये ब्रिंग अबाउट ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टेंसाइल स्ट्रेसेस ओवर द वर्टिकल सेंट्रल डायमेट्रिकल प्लेन। तो ये जो स्ट्रेस आप जो लोड डालते हैं वो बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, टेंसाइल स्ट्रेस जो है बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल सेंट्रल डायमेट्रिकल प्लेन के डायमेंशन में। आइडियली फेल्यूअर इन टेंशन शुड टेक प्लेस एज ए क्लीन ब्रेक वो हो जाती है टेंशन के चलते। टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा टी ऑफ द रॉक इन दिस टेस्ट इज सिग्मा टी इक्वल्स टू 2 into जो लोड आप डालने, कंप्रेशन लोड जो डाला है, पाई डी एच यहां पर लिखा है, आप डी टी भी लिख सकते हैं, डी इज द डायमीटर ऑफ स्पेसिमन, एच इज द हाइट ऑफ द स्पेसिमन। इस तरीके से ये फॉर्मूला दी हुई थी जिसको मैं बोर्ड में और अपने स्क्रीन में समझाने का प्रयास किया हूं। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। इन ए 4.2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर ही है 3 मीटर हाई गैलरी इन ए कोल सीम 12 शॉट्स आर ब्लास्टेड पर राउंड, द होल आर चार्ज विथ 2 एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज ऑफ 435 grams ईच, इफ द पाउडर फैक्टर ऑफ द ब्लास्ट इज 2.2 tons per kg एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल इज 1.4, द पूल पर राउंड ऑफ द ब्लास्ट इन मीटर इज। तो देखिए गैलरी की साइज दिया हुआ है, फेस की साइज दिया हुआ है फ्रेंड्स, 4.2 meter दिया हुआ है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा तो मैं बोर्ड में भी समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पर देखिएगा आपका है गैलरी की जो विड्थ है 4.2 मीटर है, हाइट है 3 मीटर, कोल सीम में है जो कि 12 शॉट यानी 12 होल लगा करके ब्लास्टिंग करने का एक राउंड में प्रयास किया जा रहा है। होल को चार्ज कर रहे हैं 2 एक्सप्लोसिव से और प्रत्येक एक्सप्लोसिव जो है 435 ग्राम की है। यदि पाउडर फैक्टर ऑफ ब्लास्ट जो है वो 2 टन पर kg आता है, 1 kg में 2.2 टन कोयला टूटती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल जो दिया हुआ 1.4 दिया हुआ है, तो पुल पर राउंड ऑफ द ब्लास्ट निकालने के लिए कह रहा है, यानी कितना पुल हो रही है ये निकालने के लिए कह रहा है। दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव पर ना आते हुए फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, पाउडर फैक्टर बराबर होता है विड्थ इंटू हाइट इंटू पुल इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक टनेज ऑफ कोल पर ब्लास्ट पर राउंड जो आप निकली हुई है, इसको आप फॉर्मूला के रूप में लिए हैं, गैलरी की विड्थ
गैलरी की हाइट, कितना पुल हुई है, कितना आगे फेस बढ़ी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक्सप्लोसिव यूज्ड फॉर अबव राउंड इन केजी। आप जो ऊपर वाले राउंड को ब्लास्ट करने में कितना केजी एक्सप्लोसिव यूज किए हैं उसको लिखे हुए हैं दोस्तों। तो आप देखिए यहां पर विड्थ 4.2 मीटर दिया हुआ, उसको भर दिए, 3 मीटर हाइट दिया हुआ है, पुल निकालने के लिए बोल रहा है, पुल ही लिखा हूं, 1.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, लेकिन पाउडर फैक्टर साथ में दिया हुआ है 2.2। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, देखिए एक्सप्लोसिव यूज फॉर अबव राउंड इन केजी, एक्सप्लोसिव जो यूज किया हुआ है 435 ग्राम का किया हुआ है, लेकिन दो कार्टिज यूज कर रहा है एक होल में, तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया हूं, और 12 शॉर्ट होल हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल एक्सप्लोसिव यूज्ड आ जाएगा इन केजी में। अब इसको सॉल्व करने के पुल कोई इधर ले आइए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथ करके आप बनाने के बजाय तो 1.3 आ रहा है, जो कि सी नंबर को टिक लगाते हुए आप बढ़ सकते हैं। इसी तरह से डिटोनेटर फैक्टर भी जो है आप निकाल सकते हैं, ऊपर वाली न्यूमेरिकल की जो होगी वो टोटल वही रहेगी, लेकिन जो डिनोमिनेटर रहेगी उसमें नंबर ऑफ डिटोनेटर आ जाएंगे और आप पुल उसकी सहायता से निकाल सकते हैं या डिटोनेटर फैक्टर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो 62 है या 70 आगे की प्रश्न है उसमें ये पूछी हुई है, देखिए आगे 62 में क्या पूछी हुई है। इफ ए रप्चर एब्जॉर्ब एट ए लोड ऑफ 6000 केजी अप्लाइड ऑन ए 50 mm डाया कोर सैंपल, देन पॉइंट लोड स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमेन विल बी। तो यहां पर देखिए रप्चर एब्जॉर्ब, रप्चर यानी कि किस लोड पर वो टूट जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि एट लोड 6 टन अप्लाइड करने पर वो रप्चर हो जा रहा है, टूट जा रहा है, और किस पर लोड अप्लाइड कर रहे हैं, 50 mm डाया कोर सैंपल पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसा मैं पिक्चर में बनाने का प्रयास किया था वो 54 mm के जगह पर जो है बोर्ड में जो पिछले प्रश्न में थी उसके पिछले प्रश्न में थी वो 54 के जगह पर यहां पर 50 mm कह रहा है। द पॉइंट लोड स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमेन विल बी, तो पॉइंट लोड स्ट्रेंथ जो होगी वो कितनी होगी स्पेसिमेन की, तो ऑब्जेक्टिव पर ना करके डायरेक्ट पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करते हैं। I बराबर P बटे D स्क्वायर, आप यानी कि P जो है जो लोड आप डाल रहे हैं और D जो है डायमीटर का स्क्वायर जो है वो रखी कही जा रही है, तो 6000 जो है उसकी क्या हो गई, प्रश्न में दी हुई है 6000 kg, और यहां पर जो मिलीमीटर में, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 50 mm का जो आप सेंटीमीटर में बदलेगा तो 5 cm होगा, और डी स्क्वायर की जगह तो 5 × 5 होगी, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 240 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर आता है दोस्तों। तो सी नंबर को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये जो पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इसमें जो कोर का सैंपल लेते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो डायमीटर होती है वो 2 times होती है हाइट की स्पेसिमेन की, 0.5 रहती है किसके जो अगर डायमीटर जो है 2 meter का लेते हैं, बाय द वे एग्जांपल ले 2 meter का लेते हैं तो जो हाइट होगी उसकी 1 meter होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, ये रही क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज आरक्यूडी ऑफ कोर पीसेस ऑफ 4 cm, 38 cm, 17 cm, 20 cm, 5 cm एंड 35 cm हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम ए 2 meter लेंथ ऑफ ए टोटल कोर रन। फ्रेंड्स आरक्यूडी रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन होती है, जो कि 10 cm से कम साइज वाले जो भी कोर बोर होल से निकलती है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, 10 cm से जो ऊपर साइज की जो कोर होती है उसको करते हैं और उसका सम करते हैं, और जो रिकवर्ड जो लेंथ होती है टोटल जो डेप्थ आप होल होती है वो उससे डिवाइड करते हैं, तो जो इनटू परसेंटेज में जितनी निकलती है वही आरक्यूडी रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन कहलाती है, जिसके लिए फॉर्मूला लिखा हूं मैं L1+L2+LN डिवाइडेड बाई L क्या है रिकवर्ड L1, L2, L3, LN जो है रिकवर्ड कोर लेंथ है विच आर नॉट लेस देन द 10 cm, और L जो है बोर होल का लेंथ है टोटल बोर होल का लेंथ है इनटू 100 कीजिएगा। तो देखिए यहां पर आप प्रश्न में 4 cm को इग्नोर कर दीजिएगा, 38 cm को लीजिएगा, 17 cm को लीजिएगा, 20 cm को लीजिएगा, 5 cm को इग्नोर कर दीजिएगा, 35 cm को लीजिएगा और इसको प्लस कीजिएगा, तो आपको ये सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं और इसको चारों को प्लस कीजिए और जो 2 meter दिया हुआ है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 200 से डिवाइड कीजिए, इनटू 100 कीजिए, परसेंटेज में निकालना है तो ये 55 आ जाती है फ्रेंड्स। तो ये जो 3 है वो 55 आप निकाल के टिक लगा सकते हैं फ्रेंड्स। यहां पर आपको याद रखनी है कि आरक्यूडी का उपयोग, रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन का उपयोग हम लोग ओपन कास्ट में रॉक स्ट्रेंथ जानने के लिए कि हम कितना हार्डनेस है उसकी रॉक की, अंडरग्राउंड में हम लोग जो
रूफ रॉक होती है उसकी कैपेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए कि कब कैपेबल होगी अथवा नहीं होगी, वो जानने के लिए हम लोग आरक्यूडी का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इन ए सब्सिडेंस प्रोफाइल, सब्सिडेंस प्रोफाइल की बात करता है, द पॉइंट एट विच द कर्वेचर चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इज नोन एज द। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक आपको बताना चाहता हूँ, सब्सिडेंस जो ड्यू टू द अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, आप देखने का प्रयास कीजिएगा कि जो सब्सिडेंस होती है, सब्सिडेंस किसे कहते हैं, सब्सिडेंस, तो ये लोअरिंग ऑफ ग्राउंड ड्यू टू अंडरग्राउंड माइनिंग या एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। तो ये जो आपकी कोल सीम है, इसमें आपने जो अंडरग्राउंड माइनिंग किया, ये जो एक्सट्रैक्शन इन कोल सीम यूजी, तो इसके कारण से जो सरफेस पर आपका जो सब्सिडेंस होता है, ये सब्सिडेंस पहले सरफेस ऐसे थी, लेकिन वो जो कर्व ड्रा होती है किसकी, सब्सिडेंस की, ये धीरे धीरे पॉजिटिव होती जाती है, यानी कि डेप्थ जो है बढ़ती जाती है। अब एक पॉइंट ऐसी आती है, ये पॉइंट आए जब से ये इसकी अमाउंट जो है धीरे धीरे घटने लगती है, यानी नेगेटिव की ओर चली जाती है। तो ये जो है नेगेटिव की ओर गई और ये जो है पॉजिटिव की ओर आई, ये जो है लोअरिंग ऑफ ग्राउंड है। तो ये पॉइंट क्या कहलाती है, इसी को पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट क्या कहलाती है। प्रश्न आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अब जो है मैं उसको फिर से स्क्रीन को आपके सामने लाता हूं, देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इन्हें सब्सिडेंस प्रोफाइल, आपने मैं जो ड्रॉ किया हूं, सब्सिडेंस प्रोफाइल ड्रॉ किया हूं, द पॉइंट एट विच द कर्वेचर जो थी चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव होते जा रही थी और नेगेटिव की ओर बढ़ने लगती है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ गिविंग। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां पर कट करके रखा हूं, 17 मई 2017 की मेरी एक कट पेस्ट थी। द पॉइंट ऑन द सब्सिडेंस प्रोफाइल वेयर द प्रोफाइल चेंजेज फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव, कॉन्वेक्स से कॉनकेव की ओर जब चेंज होती है एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाती है। सी नंबर को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, देखिए क्या कहता है। डिटोनेशन प्रेशर ऑफ स्लरी इमल्सन एक्सप्लोसिव, जो स्लरी या इमल्सन एक्सप्लोसिव जो ओपन कास्ट में इस्तेमाल करते हैं, उसका डिटोनेशन प्रेशर कितनी होती है। आप ऑब्जेक्टिव पर जाने की जगह पर आप देखिए डायरेक्ट यहां पर मेरा जो कट पेस्ट लिखा हुआ है, स्लरी जेल और इमल्सन एक्सप्लोसिव एंड द मोर मॉडर्न टू फेसेस 5000 to 6000 ms वन विथ डिटोनेशन प्रेशर फ्रॉम 100 to 120 kilobar। तो 100 to 120 kilobar ऑप्शन नंबर सी से मैच होती हुई दिखा देती है, 90 से 120 kilobar ये जो है डिटोनेशन प्रेशर होती है स्लरी की। तो आप ये डी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 66। इन ए ब्लास्टिंग राउंड फॉर ड्राइवेज ऑफ 3.2 into 3 meter क्रॉस कट ऑफ ए नंबर ऑफ 1.8 meter लॉन्ग होल आर यूज्ड, 1.8 meter लॉन्ग होल यूज कर रहे हैं, जो ड्राइवेज है ड्रिफ्ट में जो ड्राइवेज कर रहे हैं वो 3.2 मीटर है चौड़ाई और 3 मीटर हाइट है, ये मान लीजिए क्रॉस कट है जो कि 20 नंबर का होल उसमें लग रहा है, 20 नंबर होल लग रही है। इफ द एवरेज पुल 1.5 मीटर प्राप्त हो रही है एंड द इंस्टीट्यूट डेंसिटी ऑफ रॉक इज 2.78 टन पर क्यूबिक मीटर यहां पर दिया हुआ है, द यील्ड पर डिटोनेटर विल बी अप्रोक्सीमेटली, यानी कि कितना जो है प्रोड्यूस होगा। जैसे यहां पर अभी मैं बताया था कि इसको अगर सॉल्व करने का प्रयास करें फ्रेंड, तो अपन सॉल्व कर ही लेते हैं, मैं यहां पर उसमें सॉल्व नहीं किया हूं। देखिए क्या कहता है प्रश्न जो आपके सामने दी हुई है, ये जो है क्या कहता है, ये प्रश्न कह रही है आपसे कि जो ड्रिफ्ट जो चल रही है, ड्रिफ्ट जो फेस चल रही है, फेस जो चल रही है
ये जो चौड़ाई है इसकी 3.2 मीटर है और जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, ठीक है, यही है 3.2 मीटर 3 मीटर क्रॉस 20 होल। नंबर ऑफ होल कितने लग रहे हैं, नंबर ऑफ होल कितने लग रहे हैं, ये लग रहे हैं 20। और क्या लग रही है, पुल आ रही है अपनी 1.5 मीटर। होल डेप्थ है, होल डेप्थ है वो 1.8 मीटर है। स्पेसिफिक डेंसिटी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 2.78 टन पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है 2.78 पर टन पर मीटर क्यूब मीटर दिया हुआ है। अब यहां पर पूछ रहा होगा कि इल्ड पर डिटोनेटर, इल्ड पर डिटोनेटर YIELD, इल्ड पर डिटोनेटर, तो इल्ड निकालने के लिए यानी कि डिटोनेटर फैक्टर YIELD इल्ड यानी कि डिटोनेटर फैक्टर बराबर जब आप निकालिएगा तो यहां पर जो विड्थ है इंटू हाइट है इंटू पुल है इंटू स्पेसिफिक डेंसिटी है, डेंसिटी या ग्रेविटी है, इसको नंबर ऑफ डिटोनेटर से यानी नंबर ऑफ होल से डिवाइड कीजिएगा। तो विड्थ जो है 3.2 मीटर है इंटू एच 3 मीटर है इंटू आपसे पुल कहा है 1.5 मीटर है, स्पेसिफिक डेंसिटी 2.78 है, डिवाइडेड बाय 20 आप डिटोनेटर लगाएंगे। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से, निकालिए आप कैलकुलेटर को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये रही कैलकुलेटर, 3.2 इंटू 3 इंटू 1.5 इंटू 2.78, ये चारों का मल्टीप्लाई किए तो आ गए 40.9 × 9 × 18 लगभग आ जाएगी, ये आ जाएगी 40.032 डिवाइडेड बाय 20। तो ये जो है 2 लगभग आ रही है 2 और टन पर डिटोनेटर। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, आपके जो वो ऑब्जेक्टिव है उसमें आप देख सकते हैं कि 2.0 टन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में मैच कर लीजिए। तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव नंबर सी जो है मैच कर गई है। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये डिटोनेटर फैक्टर निकालने का तरीका है। 67 से 72 रिपीटेड प्रश्न है जो कि मैं मिसा सर माइनिंग जो क्लास है उसकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, लेकिन अगर फ्रेंड्स आपको नहीं मिलेगी तो आप कमेंट्स कीजिएगा, फिर से मैं नेक्स्ट डे जो है इसको सॉल्व करके फिर से अपलोड कर दूंगा। इसी क्वेश्चन में 67, 68, 69, 70, 71, 72 प्रश्न आप वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है, इसलिए मैं यहां पर सॉल्व नहीं किया हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, अंडरग्राउंड फेस ब्लास्टिंग द पूल इज फाउंड टू बी 10% लेस देन द ड्रिल होल लेंथ। जितना आप ड्रिल होल लगाते हैं उससे 10% जो है कम पूल मिलती है, यानी कि अगर आप 1.5 मीटर का होल लगाते हैं तो उसकी 10% 0.15 मीटर कम पूल मिलेगी, यानी कि 1.35 मीटर ही पूल मिल पाएगी। द हेडिंग ऑफ 3.6 मीटर विड्थ आर सपोर्टेड बाई, जो हेडिंग है वो 3.6 मीटर विड्थ की है, सपोर्टेड बाय प्रॉप डेंसिटी ऑफ 1.44 पर स्क्वायर मीटर। प्रॉप डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, प्रॉप डेंसिटी यानी कि एक मीटर स्क्वायर में कितनी प्रॉप लग रही है वो उसकी प्रॉप डेंसिटी कहलाती है। तो प्रॉप डेंसिटी 1.44 पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, द होल लेंथ इज 1.5 मीटर एंड 6 राउंड, होल लेंथ जो है 1.5 मीटर का है एंड द 6 राउंड ब्लास्टिंग आर डन इन ए पैनल पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में
में पैनल में जो है 6 राउंड ब्लास्टिंग की जा रही है, द नंबर ऑफ प्रॉप्स टू बी इरेक्टेड इन ए शिफ्ट, तो नंबर ऑफ प्रॉप कितनी इरेक्ट की जाएगी, ऑप्शन पर बाद में आएंगे फ्रेंड्स। पहले आप ये निकालने का प्रयास कीजिए कि ये जो, जैसे मैं अभी इसके पहले भी निकाल रहा हूं कि जो एक ब्लास्टिंग में कितनी एक्सपोजर रूफ में जनरेट होती है, तो 6 राउंड यहां पर दिया है, 6 राउंड में कितनी एक्सपोजर जनरेट होगी, वो टोटल एक्सपोजर विड्थ इंटू पूल इंटू राउंड पर शिफ्ट जो आप निकालते हैं वो आप लिख रहे हैं। तो देखिए टोटल स्ट्रक्चर यही होगी जो कि विड्थ होगी और पूल होगी, एरिया जो आप लोग निकालते हैं उसी से निकलेगी, विड्थ और पूल से निकलेगी। तो 3.6 मीटर विड्थ दिया हुआ है और पूल जो हो रही है 1.5 मीटर का तो होल लगा रहे हैं लेकिन 10% कम हो रही है पूल उससे, तो 10% आप 1.5 आप निकालेगा और 6 राउंड आप एक शिफ्ट में टोटल ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो 6 राउंड का एक्सपोजर कितनी होगी वो निकालने का प्रयास कीजिए। 3.6 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं, 21.6 आया हुआ है और 1.5 का माइनस ये जो 10% निकालते हैं वो 0.15 आती है, जो इसको आप घटाने पर 1.35 प्राप्त कीजिए, 29.16 टोटल एक्सपोजर हो गई। नंबर ऑफ प्रॉप्स जो होंगे पर शिफ्ट में कितने लगेंगे पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ एक्सपोजर पर शिफ्ट को प्रॉप डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 41.99, जो कि 41.99 आप मैच करने की कोशिश कीजिए तो आंसर ए जो है, ऑब्जेक्टिव ए जो है मैच करती है फ्रेंड्स। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रॉप जो है 42 लगने वाली है आपके। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 74 प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज आर यूज्ड फॉर मेजरिंग इंस्टीट्यूट स्ट्रेट, इसमें से कौन सी जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम लोग रूफ रॉक लोड कितनी आ रही है उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसमें से इंस्टीट्यूट स्ट्रेस कौन कौन मेजर करती है, ए नंबर फ्लैट जैक, बी नंबर बोर होल प्रॉप सेल, सी नंबर पॉइंट लोड टेस्टर, डी नंबर टेल टाल, ई नंबर स्ट्रेटा स्कोप। फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन जो दी हुई है वो तो आप देख ही लीजिएगा, लेकिन मैं यहां पर फ्लैट जैक क्या होती है उसको लिख करके समझाने का प्रयास किया हूं। ये फ्लैट स्टील जैकेट फिल्ड विथ हाइड्रोलिक फ्लूड, एक फ्लैट स्टील का जैकेट होती है वो हाइड्रोलिक फ्लूड से फ्लूड रहती है, उसको इंसर्ट इन टू दी साइड ऑफ द गैलरी, जो रूफ का प्रेशर या साइड का प्रेशर लेटरल प्रेशर निकालने के लिए कितनी उसके ऊपर प्रेशर आ रही है उसको निकालने के लिए हम लोग उसको उस स्टील जैकेट को गैलरी में जो होल बनी होती है पॉकेट बनी होती है उसमें इंसर्ट कर देते हैं। द रीडिंग ऑफ इंस्टीट्यूट स्ट्रेस शो इन डायल, उसके सामने स्टील जैकेट के सामने एक डायल रहती है जिसमें प्रेशर जो है डायरेक्टली रीडिंग में देख सकते हैं, तो वो डायल जो है उसमें प्रेशर इंस्टीट्यूट प्रेशर ही जो इंस्टीट्यूट स्ट्रेस ही हमको दिखाती है, कनेक्टेड विद स्टील जैकेट से जो कनेक्टेड होती है डायल उसमें हमको दिखती है। तो ये फ्लैट जैकेट होगी जिसे इंस्टीट्यूट स्ट्रेस तो मेजर करते ही है फ्रेंड्स। तो ए नंबर वाली जो ऑप्शन होगी ए हो सकती है, सी हो सकती है, ई हो सकती है। अब आते हैं बोर होल प्रॉप सेल पर के ऊपर, तो बोर होल प्रॉप सेल ए स्टील रॉड होती है इंसर्टेड इनटू द बोर होल ड्यू टू द रॉक प्रेशर, स्टील रॉड को हम लोग होल करके उसमें इंसर्ट कर देते हैं तो उससे जो इंस्टीट्यूट स्ट्रेस ही हमको रीडिंग मिलती है डायल में, तो बोर होल प्रॉप सेल से हम लोग इंस्टीट्यूट स्ट्रेस ही मेजर करते हैं। यहां पर देखिए स्टाटा स्कोप मैं बताने का ई नंबर प्रयास किया हूं, एन एपरेटस इंसर्टेड इन द ड्रिल होल दैट परमिट्स इंजीनियर टू मेक ए विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द स्टाटा, तो स्टाटा स्कोप से हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं किसका, रॉक का दोस्तों। तो स्टेटोस्कोप यहां पर इंस्टीट्यूट स्ट्रेस नहीं बताती है। अब यहां पर देखिए मैं पॉइंट लोड टेस्टर की बात किया हूं कि द पॉइंट लोड टेस्टर इज ए यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर रीडिंग आउट प्रेशर व्हेन ए स्पेसिमेन इज ब्रोकन, तो स्पेसिमेन जो ब्रोकन हो जाती है तो उसकी रीडिंग जानने के लिए हम लोग पॉइंट लोड टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर भी एक कट पॉइंट है, ए पॉइंट लोड टेस्टर इज ए सिंपल प्रेश टू टेस्ट फॉर ए रॉक स्ट्रेंथ, रॉक स्ट्रेंथ निकालने के लिए पॉइंट लोड टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग द कोर सिंपल टेस्ट द गॉज रिकॉर्ड द मैक्सिमम पॉइंट लोड इन किलोन्यूटन, तो ये रही आपके सामने जो वर्ड्स आए हुए थे। टेल टॉल जो होती है जो रूफ रॉक में इंसर्ट करते हैं जो कि जो स्ट्रेस जो डाउन होती है उसमें हम लोग निकालने का कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रयास करते हैं, तो वो लेयर के बीच में जो डिफ्लेक्शन आती है रूफ रॉक जो झुकती है उसका आप मेजर करते हैं टेल टॉल से। इसमें 3 अलग अलग डायमीटर के पाइप रहते हैं जिसको हम लोग स्टील रॉड के सहायता से अंदर पेनेट्रेट करते हैं फ्रेंड्स। और डिटेल में मैं बताऊंगा जो इंस्ट्रूमेंट्स रूफ रॉक लोड मेजर करने के लिए, सॉरी जो मूवमेंट मेजर
करने के लिए, रॉक में जो डिफ्लेक्शन आती है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल लाए जाते हैं वो 12 से 13 हैं, उनको मैं एक क्लास लेकर के आपकी पूरी इंस्ट्रूमेंट को बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो ये जो है आप देखिएगा ए और बी कौन से आंसर में, ऑप्शन में है, सी में है ए बी, यानी सी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। अब ये मिश्रा सर की जो माइनिंग क्लास की जो वीडियो है आज समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे प्रश्न को मैं अपलोड करूंगा। कोई कमेंट आपको देनी है, कोई पॉइंट आपको समझनी है दोस्तों, तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, फ्रेंड्स में फैलाने का प्रयास कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो करके वो हेल्प हो और वो एग्जामिनेशन में पास होकर के सर्टिफिकेट गेन कर सकें, सर्टिफिकेट गेन करके अपना प्रमोशन पा सकें और साथ ही नए जॉब पाने वाले जो गवर्नमेंट माइनिंग सरदार के फ्रेंड्स हैं वो अपने फ्रेंड्स को बता करके इस चैनल को बेल आइकन दबा करके आप उनसे